الرحمن الرحيم. मोनर वॉल्यूम हमने कल हल्का फुल्का कर लिया था, सिर्फ आज इसका एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें। कहता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? दे आर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेटे जब भी लेंगे दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जब भी लेंगे दैट विल बी 180 एम, और जिसको आप 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कहते हैं। कहते जी हमेशा कोई भी एक मोल गैस का आप ले लें उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये देखिए नीचे अगर आप गौर फरमाएं तो दिस इज वन मोल ऑफ एच टू, कितना जी 2 ग्राम्स। उसमें लाजिम बात है वो गैडरोस नंबर के तहत इतने मॉलिक्यूल होंगे तो एसटीपी पर वॉल्यूम उसका होगा। सिमिलरली मीथेन ले लें तो उसका 16 ग्राम का एक मोल होगा, ठीक है। तो वो गैडरोस नंबर के तहत इतने मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, और बेटे उसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा। सिमिलरली अगर आप 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, कोई भी गैस ली जा सकती है, तो एक मोल होगा, इतने मॉलिक्यूल होंगे और उसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा, और यही वॉल्यूम जो है दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसमें जो अहम बातें हैं वो ये तीन है नीचे दी हुई। इम्पोर्टेंट टू नोट कि इतना वॉल्यूम है डिफरेंट गैसेस का, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद तो सेम है लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर मास, उनकी मॉलिक्यूलर साइज, शेप, सब कुछ डिफरेंट। अगली बात उसी को एक्सटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये निकला कि जो मॉलिक्यूलर साइज है, शेप है या मास है, उसका कोई लेना देना नहीं है गैस के वॉल्यूम से। और ये बात इंतहाई अहम कि नॉर्मली गैस मॉलिक्यूल्स अपने डायामीटर से 300 गुना दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है जी। बात को बेटे आगे लेके चलते हैं। जी ये एक न्यूमेरिकल है, इट्स अबाउट मोलर वॉल्यूम। कहते हैं वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सीएम क्यूब एट एसटी। कहते हैं इसकी मास 0.72 ग्राम है। कहता है मोलर मास निकालिए, वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसके डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 यानी हाफ डेसीमीटर क्यूब, आधा लीटर। कहता है आधा लीटर गैस की जो मास है दैट इज 0.72 ग्राम्स, मोलर मास निकाल। अब मोलर वॉल्यूम में हमने पढ़ा क्या है? अभी हमने पढ़ा ताजा ताजा कि इतने लीटर कोई भी आइडियल गैस एट एसटीपी जो है वो एक मोल होती है। तो हमारे पास तो बेटा इतने हैं, आधा लीटर है, तो यूनिटरी मेथड लगाए आधे लीटर का कितना निकलेगा बेटा? इतने मोल। और मोल का रिलेशन आपको पता ही, मोल क्या होता है? मास को मोलर मास पे डिवाइड कर दें। तो हमने क्या निकालना है बेटा जी? हमने निकालनी है मोलर मास। तो मोलर मास निकालना है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो ये एन नीचे आ जाएगा। मास को नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करते हैं, दिस इज योर मास, ये हमें दी गई थी, ठीक है। और ये मोल्स, मोल्स हमने खुद कैलकुलेट किए हैं, तो बेटा वो जब जवाब निकाला तो ये आपके पास 32.29 ग्राम पर मोल जवाब आपके पास। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज स्टोशियोमेट्री। वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस, बहुत सारे लोग इसको स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं और कुछ हजरात इसे स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं। मैं आपको इसका उर्दू में लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली स्टोशियोमेट्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इसका परफेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है। क्या है ये स्टोशियोमेट्री?
that it is the branch of chemistry that deals with the quantitative relationship. आप जानते हैं, आपने इस्तेमाल किया हुआ है, अभी थोड़ा सा इसकी झलक अभी हम देखते हैं. कार्बन को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बन. आप सारे जानते हैं कार्बन का एक मोल को ऑक्सीजन का भी एक मोल ही चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बाद में एक मोल ही बनेगा. अगर ग्राम्स में बात कर लें, ये 12 ग्राम इसके 32 ग्राम्स के साथ रिएक्शन करेंगे और इसके 44 ग्राम्स बनेंगे. अगर हम कार्बन के 12 की बजाय 24 ग्राम ले लें और ऑक्सीजन हम फालतू ले लें, एक्सेस में ले लें, बनाम बेटे इसके कितने ग्राम बनेंगे? तो समझ नहीं लगी आपने क्वेश्चन क्या किया. कहाँ थे आप? अगर आपकी अटेंटिवनेस इधर नहीं होगी तो फिर आपको नहीं पता चलेगा क्वेश्चन क्या है. मैंने पहले आपके सामने एक डेटा रखा कि इसके 12 ग्राम हो तो इसके 44 मिले, ठीक. और बाद में मैंने क्या पूछा है? एनीवन एल्स? इसके मोल कितने हैं? देखिए, मैंने मोल्स की बात ही नहीं की, मैंने बहुत सादी सी बात की. दोबारा ध्यान से सुनिए सारे बच्चे. इसके 12 ग्राम तो कार्बन के, ये मैंने फालतू ले लिया, जो फालतू होता है उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते. इसके बनेंगे 44 ग्राम. मैं कहता हूँ मैंने इसके 6 ग्राम ले लिए, चलो आप बोलो इसके कितने ग्राम बने? ये सवाल. 38 ग्राम्स. जी हमायल, आपने उसके 6 क्यों लिए? मेरी मर्जी. ये क्या बात हुई? समझ नहीं आई कुछ आपकी बात. आधी कर दी मैंने उसकी मिकदार. तो फिर 44 को भी आधा कर दें. उसको भी आधा करना पड़ेगा. कितने बनेंगे जी? 22. चलिए हम एक और तजर्बा करते हैं. हम इसके 12 की बजाय, मनान साहब जरा गौर कीजिएगा, 24 ले लेते. 88 हो जाए. जी जनाब, डबल किया है तो इसके भी 88 हो जाए. अब आपको क्लियर हुआ ही? ये बाकी लोग आज किधर है? ज्वाइन कर गए? स्लीपिंग ब्यूटी, आज मैं जाग रही हूँ. मैं भी जाग रहे. वो मैंने आज वो बंद किया हुआ ना वेटिंग रूम, डायरेक्ट ही आ जाते. हाँ आमना बेटे, अगर मैं ये 12 ग्राम लूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, अगर ये मैं 12 ग्राम लूं तो इसके 44 ग्राम बनते. अगर मैं इसके 3 ग्राम ले लूं बेटा, इसके कितने ग्राम बने? जी बेटा और कीजिए, जो बातें हमने पहले की हैं. अगर 12 ग्राम से हमने 6 किया, आधा किया, तो वो 44 से भी आधा हो गया, 22 हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, 12 की बजाय 3 ग्राम ले रहा हूँ.
आमना बताएंगी, आमना खालिद। 11 ग्राम हो जाएगा फिर। 11 ग्राम बिल्कुल, वो भी क्वार्टर हो जाएगा, चौथा हिस्सा हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा ये जो हमने सारा कुछ किया, भाई कार्बन इतनी ले लें, ऑक्सीजन इतनी, ऑक्सीजन तो फालतू है, इतनी कार्बन हो गई, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कोई प्रैक्टिकली तो नहीं किया। हमने क्या किया है, इक्वेशन के अंदर जो मौजूद चीजें हैं, हमने वो इक्वेशन वाली चीजें जो है वो पकड़ी है। जी कार्बन के 12 हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 मिलने चाहिए। अगर हम उसको डबल कर देते हैं रिएक्टेंट को तो प्रोडक्ट भी डबल मिलेगी, अगर हम रिएक्टेंट को हाफ कर देते हैं तो प्रोडक्ट भी हाफ मिलेगा। ठीक है, यानी हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मिकदार वाला ताल्लुक, भी ऐ कितने ग्राम है तो ऐ कितने ग्राम पैदा होएगा, तो हमने क्या किया बेटा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो इनके दरमियान स्टडी की है। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टोशियोमेट्री। इसका मतलब है आपने ये स्टोशियोमेट्री 9th में इस्तेमाल की थी, लेकिन मेरे बेटों को ये मालूम नहीं था कि ये स्टोशियोमेट्री। चलिए बात को बेटे आगे लेके चलते हैं। बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इनका जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का जो डील करती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज स्टोशियोमेट्री। अच्छा यहाँ एक बात इंतहाई अहम है, अगर मुझे इजाजत दे मैं ऊपर वाला ये सारा वॉश आउट कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें और यहाँ पे लिखनी। हाँ जी, ये 12 ग्राम थे, ये 32 ग्राम थे और ये 44 ग्राम। जरा खुद ही समझिए कि ये दोनों भी अगर मिला लिए जाएं तो ये भी 44 ग्राम ही बनेंगे और ये भी कितने बेटा 44। इसका मतलब है रिएक्टेंट 44 हो तो प्रोडक्ट भी 44 ही होंगे। तो यहाँ पे जो चीज इस्तेमाल हुई वो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ऑपरेट कर रहा है कि भाई जितने रिएक्टेंट है ग्रामों में जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास उतने ही आने हैं। ये नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट जो है वो 32 ग्राम हो और प्रोडक्ट जो है वो 44 ग्राम हो। सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स का जब सम आप कर लेंगे ग्राम्स में, दैट विल बी इक्वल। तो वो इक्वालिटी ये चीज का सबूत है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा जो लॉ है दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शंस। वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगी इसमें प्रोपोर्शन 12 और 32 का रहेगा। सिंपलीफाई कर लें तो ये 3 और 8 का रहेगा। वेन एवर यू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड, इनके दरमियान कार्बन और ऑक्सीजन में जो बाई मास रेशियो है दैट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट एंड दैट विल बी 3 and 8। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। और इसी तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ये दोनों ऑब्जर्व किए जाते हैं, इनका ध्यान रखा जाता है ड्यूरिंग स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन किस किस तरह की हो, दिस इज इंटरेस्टिंग। पहली मास मास रिलेशनशिप, अनीका है महबूब साहब, अनीका ही है ना, आमना क्या नाम है उसका, अनीका ही है। किधर है आज, गायब है ना, जो ये भी गायब है, वो है नहीं आज। अच्छा चलें, वो मेरी बेटी है माहिरा, अरे अपने घर ही होगी। माहिरा है ना बेटे, किधर है? यस सर। जी बेटा गुड। माहिरा आप देखिए, हमने यहाँ पे ये जो ऊपर हमने जो भी डिस्कस किया ये वाला, ओहो इसको पता है, ये जो चीज हमने डिस्कस की है ये सारी की सारी क्या थी, ये थी मास मास रिलेशनशिप। ठीक है,
हमने कार्बन की मास ली और दूसरी जो शय है उसकी भी मास ली, दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड. कहता है फ्रॉम द मास ऑफ वन सब्सटेंस वन कैन डिटरमाइन द मास ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा, और दूसरे के लिहाज से उल्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है. यानी जरा तवज्जो कीजिए, उल्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, दैट वाज इंटरेस्टिंग. कि भाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन कितनी चाहिए जी, 12 ग्राम. अगर मैं कहूं कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, डबल बनानी है, तो अगर प्रोडक्ट डबल बनानी है तो हमें जो रिएक्टेंट है वो भी डबल चाहिए होगा, हमें कार्बन 24 ग्राम चाहिए. यानी एक के साथ दूसरे का ताल्लुक है तो दूसरे का भी पहले के साथ रिवर्स ताल्लुक किया जा सकता है. जी बेटा, दूसरी जो शय है दैट इज मास मोल रिलेशनशिप, हमने अभी ये इस्तेमाल नहीं किया, हमने अभी डिस्कस भी नहीं किया, अभी कर लेते हैं, बड़ा ही आसान है. मास मोल कौन सा मुश्किल है? हाँ जी, इसकी ले लें 12 ग्राम और इसका पकड़ लें 1 मोल. इसके कितने लिए जी, 12 ग्राम और इसका क्या पकड़ा है, मोल. एक के ग्राम पकड़े हैं, दूसरे के मोल पकड़े हैं. यानी आप ये कह सकते हैं कि कार्बन के अगर 12 ग्राम ले लिए जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम की बजाय आपने जी 1 मोल पैदा होगा. बिल्कुल सही है, कार्बन के आप ग्राम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के आप ग्रामों की बजाय ऊपर वाला कंपोनेंट पकड़ लिया, मोल. व्हाट इज दिस, दिस इज मास मोल रिलेशनशिप. एक की मास पकड़ी है, दूसरे का मोल पकड़ा है. उल्ट भी किया जा सकता है, आप कार्बन का मोल पकड़ लें और कार्बन डाइऑक्साइड की मास पकड़ लें. यानी आप ये कहें कि अगर आपके पास कार्बन के 2 मोल हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम बनेंगे जी, उसके जी 88 ग्राम बनेंगे, क्योंकि उसके भी 2 मोल ही बने, डबल हो गए. ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज मास मोल या मोल मास रिलेशनशिप. कहता है फ्रॉम द मास ऑफ वन सब्सटेंस, ठीक है, द मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एंड वाइस वर्सा, और इसके बिल्कुल बरअक्स. तीसरा रिलेशन दैट इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. एक शय का की मास होती है और दूसरे का वॉल्यूम ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम द मास ऑफ वन सब्सटेंस The volume of other substance can be determined. किताब में यहां तक लिखा हुआ, मैंने इसमें एक शय ऐड कर दी है, provided that density of the substance whose volume is involved is given. जिस शय का वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसकी डेंसिटी दी हुई हो तो आप ये वाला रिलेशन स्टडी कर सकते हैं, वरना ये वाला रिलेशन आप स्टडी नहीं कर सकते. ठीक है, ये बड़ी अहम बात है, हमारी टेक्स्ट बुक में ये मिसिंग है, लेकिन आप इसको डाल दें. ये वो चीजें होती हैं दैट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन ओवर द एग्जामिनर. एग्जामिनर के पास किताब वाला तो हर कोई लिखाएगा, लेकिन समथिंग स्पेशल. ठीक है, वो एक दफा उसकी सुई अटकेगी, फिर वो सोचेगा हाँ ये बात वाकई जेन्युइन है. आपको ये जब हम एग्जाम्पल नंबर गालबन 11 करेंगे या 12 करेंगे तो वहां आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे क्यों मैंने करवाया. जी बेटा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एक सेकंड वापस जाऊं जी, आ गया. नोट्स मैंने आप लोगों कर दिए हैं आज वाले सारे, कर दे चलें. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड. ये तुम्हारी कर लेगी, मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड और दूसरा क्या है, वाटर, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ये निकाल लीजिए.
when 14 grams of KOH, mass of KOH, 14 grams, reacted with an excess of sulfuric acid. Sulfuric acid falto diya gaya. Also calculate the number of molecules of water produced. ये शायद calculate करनी है. यहाँ तक बात आपको दी. अब रिएक्शन नहीं दिया हुआ. तकल लगा रही है. कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड. दैट मींस कि ये दोनों चीजें प्रोडक्ट है. जब 14 ग्राम KOH को एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया गया, इसका मतलब है ये दोनों रिएक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट. ये इक्वेशन आपने खुद डिवेलप करनी है, इसको बैलेंस भी करना. इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में इक्वेशन अगर बना के ना लिखी जाए तो आपका एक नंबर लूज हो जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन. अगली बात, ये नई बात है, मैट्रिक में आप ये काम कर तो चुके हुए हैं लेकिन इस तरह से नहीं किया गया. वो ये है कि वेन एवर वी आर यूजिंग केमिकल इक्वेशन इट शुड बी बैलेंस्ड. हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है. दूसरी अहम बात कि जहां कहीं इक्वेशन यूज करनी है तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप इक्वेशन में चीज जो डालने लगे हैं उसके ग्राम ना डालें, उसके मोल बना के डालें, क्योंकि उसमें गलती के इम्कान मिनिमम हो जाते हैं. गलती के इम्कान बल्कि सिफर हो जाते हैं. हमारे यहाँ टीचर्स ये बात जोर नहीं देते, वो ग्रामों को ही तनवा देते हैं. जब ग्राम डालते हैं तो बार दफा बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं. एक तरफ ग्राम डाले हुए होते हैं, दूसरी तरफ मोल चाहिए होते हैं. वो फिर उनको एक नया स्यापा पड़ जाता है कि वो मोल को पहले क्या करें, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है. तो लिहाजा मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है इक्वेशन से आगे. वो सेंटेंस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है. ये सेंटेंस न्यूमेरिकल में आपने नहीं लिखना, ठीक है? ये सेंटेंस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है. इट इज बेटर टू कन्वर्ट द मासेस इन्वॉल्व्ड टू मोल्स एंड देन यूज स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप. Using balanced chemical equation. चलिए, हमें क्या दिया गया हुआ है? हमें बेटा KOH के 14 ग्राम दिए गए. ये देखिएगा, हमने क्या करना है, इसके मोल बनाने हैं. मोल का अब तक आपको ये रिलेशन जुबानी याद होना चाहिए जी. मास दी हुई है, मोलर मास पे डिवाइड करते 56 इसकी मोलर मास. ये 0.25 मोल था. ये आपके पास क्या आ गया जी, 0.25 मोल्स किसके KOH के. अब आपने आगे इसकी इक्वेशन यूज करनी है. इक्वेशन क्या कहती है, पिछले पेज पे थी कि दो मोल KOH के हों तो एक मोल K2SO4 का बनता है. किताब में उसने सिंपल वो रेशो प्रोपोर्शन शो किया हुआ है. ये इस तरह का मतलब होता है कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, ठीक है? हमारे यहाँ लोग थोड़ा सा सरफे नजर कर जाते हैं. वो कहते हैं किताब वाले ठीक है. हाँ जी, किताब वाले आप लिख हैं, नंबर आपको शायद ही मिल जाए. लेकिन अगर आपको अनसीन क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपने देखा हुआ ना हो, तो यू हैव टू कन्विंस योर एग्जामिनर कि आपने इसको कैसे किया है. तो ये जो मैंने छोटे छोटे से सेंटेंसेस लिखे हैं, एक्चुअली दे हेल्प एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि क्या किया गया है. हमने इक्वेशन को यूज किया, ठीक है जी. तो हमारे पास थे इतने मोल पिछले पेज पे, हमने आखिर में कैलकुलेट किए. तो बेटा उससे जो K2SO4 के मोल कैलकुलेट हो गए निकले यूनिटरी मेथड, लेकिन हमें मोल नहीं है, हमें तो ग्राम देने. तो ग्राम के लिए वही पेरेंट फार्मूला मोल वाला,
इसको रीअरेंज किया तो ये आपके पास मास निकालने के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स को आपने मोलर मास से डिवाइड कर। आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? एग्जांपल मेरी स्क्रीन पे कुछ और आ गया क्या? नहीं आ गया, क्लियर हो गया, सॉरी जी। अब आपने मोलर मास इस्तेमाल करनी है K2SO4, ये मोलर मास निकाली हुई है K2SO4 39 पोटेशियम की। शायद आज पहले दिन इस्तेमाल होगी, पहले हमने पोटेशियम की मोलर मास इस्तेमाल नहीं की, एटॉमिक मास 32 आपको याद है सल्फर की, ऑक्सीजन की 16, ये चार से जरब देना पड़ा तो ये 174। तो बेटा हमारे पास मास K2SO4 की निकालनी है, इस फार्मूले को इस्तेमाल किया है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये मोलर मास को मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। जी बेटा, अब जैसे हमने ये कैलकुलेशन की है काहे के लिए फॉर K2SO4, सिमिलरली बेटा ये कैलकुलेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर वाटर। गौर करें, एग्जैक्ट ऊपर वाले के नीचे रेप्लिका है, बिल्कुल नकल है ऊपर वाले की, नीचे जो है फर्क क्या है कि अब राइट साइड पे K2SO4 नहीं है, अब राइट साइड पे देखिए वाटर, और ये भी हमने कहां से लिया है, इक्वेशन से कि भाई दो मोल KOH के दो मोल वाटर में दिया, रेशियो सेम, तो इसके भी 0.25 होंगे तो फिर इसके भी 0.25 होंगे। तो बेटा मास कैसे निकालनी है ये इस फार्मूले से, ठीक है, जहां जहां जिस स्टेप पे जो जो फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपने लिखना होता है बोर्ड के पेपर के अंदर, आप नहीं लिखते यू विल लूज मार्क, ठीक है। ये बातें आपको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, नोट्सों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये बातें आपको टीचरों के मुंह से निकली हुई मिलेंगी। ये बेटा आपके पास मास निकालनी है आपने वाटर की, तो देखिए वाटर का ये जी मोलर मास निकाल लिया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स वाटर के यहां से निकल आए, तो ये 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। अगली जो शेयर उसमें हमें कही हुई है ना, उसने कही हुई है वाटर के मॉलिक्यूल कितने बढ़ते। जी बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला क्या है, ये देखिए किसी की शेयर के मॉलिक्यूल निकालने के जो मोल्स हैं उसको नंबर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, वाटर के मोल इतने थे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास बेटा वाटर के मॉलिक्यूल भी आ गए, तो ये आपकी एग्जांपल नंबर 10 जो है हमारी। अब हमारे पास अगली जो एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल नंबर 11, अपने अपने बुक के ऊपर भी साथ ध्यान रखें, ना भी रखें तो ये सामने नजर आ ही रहा है, मैग्नीशियम मेटल HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका केमिकल रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ है, वैसे आमतौर पर केमिकल रिएक्शन बाद दफा नहीं भी दिया जाता, जब ना दिया जाता हो तो ये सोच लिया जाता है कि वो जो न्यूमेरिकल है उसकी इक्वेशन उसकी पैराग्राफ में छुपी हुई होती है, अब वो छुपी हुई शय को निकालना जो है ना वो स्टूडेंट का काम होता है। व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, जिसकी परसेंटेज इतनी, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन हमें चाहिए, परसेंटेज भी उसने हमें दे दीजिए 27%, काहे के लिए 12.1 ग्राम हाइड्रोजन पैदा करने के लिए, जो हाइड्रोजन टू बी प्रोड्यूस्ड है दैट इज 12.1 ग्राम, और जो डेंसिटी है ये उसने बताई हुई है दैट इज दिस मच। जी जनाब, पीछे चलिए दो स्लाइड है पीछे,
अगर आपको याद हो एक जुमला मैंने आपको खुद डाल के दिया और फिर मैंने ये कहा कि ये जुमला बहुत सारी जगहों पे बुक पे भी इवन नहीं लिखा हुआ, वो क्या था? वो था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है दैट इज एग्जांपल नंबर 11, इसमें अगर आप गौर फरमाए हाइड्रोजन की मास उसने पूछी हुई है, बताई हुई है कि 12.1 ग्राम है, बनानी है, पूछ रहा है पीछे जो रिएक्टेंट है HCl वो कितने सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, वॉल्यूम उसका निकाल। अगर आपको याद हो कल लम्बे पहले ही मैंने ये अर्ज किया बेटा जी जिस शेयर का वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा उसकी डेंसिटी जरूर डी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं वॉल्यूम किसका इन्वॉल्व है, जरा गौर कीजिए वॉल्यूम किसका इन्वॉल्व है, HCl का। डेंसिटी किसकी दी हुई है, HCl। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ ये बहुत सारे न्यूमेरिकल इस तरह के होते हैं और पर्टिकुलरली जब आप एंटी टेस्ट में जाएंगे, एंटी टेस्ट में आपको इस तरह की जो भूल भुलैया होती हैं वो वहां पे मौजूद होती हैं। आई हैव बीन पेपर सेटर फॉर द लास्ट 2 इयर्स, तो वो जो पेपर सेटर होते हैं उनको वहां पे हमें ये नहीं कहा जाता कि आपने किताब की लाइन पकड़नी है। किताब की लाइन वाला सवाल जो होता है ना एंटी टेस्ट में वो बैंड है, वहां वो क्रॉस लगा के फर्क कर देते कहते ये नहीं हो सकता। ठीक है, एंटी टेस्ट में सवाल कौन सा बनता है, एंटी टेस्ट में सवाल बनते हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की और बायोलॉजी की बुक में हो। ठीक है, बायो में बार दफा वो कॉन्सेप्चुअल उतना नहीं रहता क्योंकि उसमें चीजें और तरह की होती हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में किताब की लाइन का सवाल नहीं आप बना सकते। यू हैव टू यूज योर नॉलेज गिवन इन योर बुक और उसका आपने एमसीक्यू बनाना। ठीक है, और हमारे यहाँ होता ये है, आमना को पता होगा इसकी दो आपियों ने एंटी टेस्ट के जो है वो पेपर्स दिए हुए हैं, वो आज के बच्चे क्या कहते हैं इतने इतने लंबे लंबे सवाल, इतना टाइम तो होता नहीं है। ठीक है, वो टाइम इतना नहीं होता, हर सवाल 40 सेकंड्स में हल होता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है बेटे, हम आम तौर पे उस सवाल को हल करने की अप्रोच गलत अपना रहे होते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सवाल पकड़े हैं उसका कान सही तरीके से पकड़े हैं। जैसे नाम के कान पकड़ने हो तो आप कोई सामने से ऐसे करके कान पकड़े, आप ऐसे घूम के ऐसे करके कान पकड़ेंगे तो वो तो फिर जरा दिक्कत तो होगी। जब आप घूम के कान पकड़ते हैं तो वो घूम घुमैयों में फिर टाइम लंबा लग जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये न्यूमेरिकल मैं आज नहीं करवा रहा, ये आपको मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा और इसके साथ इससे मुंसलिक 2-3 न्यूमेरिकल पीछे एक्सरसाइज में मौजूद है, हम साथ ही कल वो भी कर देंगे। एनी क्वेश्चन? पता नहीं क्या बात है, मैं परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि पूरे बच्चे बिल्कुल चुप चांद बैठे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है बच्चे भागे हो। सर ये एग्जांपल नंबर 12 है और आपने नंबरिंग में एग्जांपल नंबर 11 लिखी हुई है, गलती होगी और नहीं बाबे वो कर लेंगे ठीक अभी वो ये हो जाएगा ठीक हो गया। हाँ भाई, एनीवन एल्स? सवाल ये नहीं होता, ये मेरी गलती निकाल दी, सवाल ये हो गया, शाबाश है तुम्हारे। ठीक है, सवाल कुछ और होता है। अरे आम बेटे, आप भी कभी कोई डिस्कस किया करें, सर आप समझाते ही इतना अच्छा है। शाबाश, मैं गिठा करनी शुरू कर दिया हैं? क्यों आयशा, गिठा करनी शुरू कर दी है? सर वो क्या होता है? या आज आपने पापा से पूछना है कि पट्टी साहब कह रहे थे गिठे करना, ठीक है, और आपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे थे तो वो फिर आपके पापा बताएंगे कि गिठे करना क्या होता है। ये हमारे बेटे पंजाबी के मुहावरे हैं, वो हम उससे ज्यादा दूर ही होते चले जा रहे हैं। माहिरा को पता होगा गिट करना, माहिरा क्या होता बेटा? सर मुझे कैसे पता होगा?
हाय मेरी बेटी को इसको भी नहीं पता, मुजरा को इलम होगा सर। कड़ाके निकालना? ओ नहीं, कड़ाके निकालना नहीं होता।